नमस्ते सत्रियकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर है नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी यूएस में मेड इन इंडिया देखकर पाक सिंगर शॉक्ड। ये हमारे शहजाद रॉय हैं जो कि अमेरिका में एक गली से गुजर रहे, तो जो उसने एक फिर वीडियो शेयर की जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। आइए मिलके देखते हैं पहले ये जबरदस्त सी वीडियो क्या है उस वीडियो में ऐसा, और फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो डेली स्वाइक का है, उसका टाइटल है पाक सिंगर प्रेज इंडिया, एवरीथिंग मेक इन इंडिया इन यूएसए। अच्छा जी, तो शायद ये बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सिंगर हैं शहजाद रॉय की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, वो वीडियो न्यूयॉर्क का है शायद। तो वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो में, पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं, फिर आपको उस पर रिएक्शन जो आएगा वो समझ में आ जाएगा। तो पहले वीडियो देखिए। अमेरिका के कंट्री के डंजन भी इंडिया बना रहे हैं, तो सोचो और क्या क्या बना रहे हैं। तो ये था वो वीडियो कि जो जो गटर कहें या जो मेन हॉल कहें उसका जो ढक्कन है मेड इन इंडिया ढक्कन है। इस ढक्कन की कहानी मैं बताऊंगा वीडियो में आपको आगे आखिर तक। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। तो चलिए पहले पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं इस पर, ठीक है? आपको ना एक छोटी सी वीडियो है जी। वीडियो मेरे पास आई, हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जो कि अमेरिका के अंदर गए, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। ये देखें, ये अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है। ये चलते चलते ना इन्होंने रुके हैं, तो नीचे इन्होंने देखा गटर का ढक्कन है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये गटर के ढक्कन के ऊपर देखो मेड इन इंडिया लिखा हुआ। ये देख रहे हैं ऐसा है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर गटर के ढक्कन के ऊपर जब मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो आप सोचो अमेरिका के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिस पर मेक इन इंडिया लिखा वहाँ पे। वहाँ पे इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पे एक आम, अचार, मिर्च, मिसाले और बेशुमार चीजें ऐसी हैं मतलब जो वहाँ पे मतलब मेड इन इंडिया जाता है। पूरी दुनिया में जो मैं आपको बताता हूँ जो ये है क्या इसको कहते हैं केमिकल जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से मतलब और बहुत सी इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन उसका रीज़न ये है, ऐसा नहीं कि हम में हमारे लोगों में वो लगन नहीं है, हमारे लोगों में वो जज्बा नहीं है, हमारे पास वो टैलेंट नहीं है, हमारे पास सारा कुछ है। लेकिन मैंने बताया कि जैसा कि हमारा एक टाइम पीरियड आया 80 के बाद जो दौर आया, तो उसमें हम जवाल पजीर हो गए, वरना हम 80 से पहले हर शोबे में उनसे बहुत आगे थे। मुझे याद है 90 का दौर दहाई थी, 90 की दहाई में इंडिया हमसे बिजली के बारे में मतलब हमसे बात कर रहा था, मुज़ाकरात कर रहा था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें प्रोवाइड की जाए। हमारे जो सरदी दयाद है वहाँ सिटी की अगर बात की, तो जितना भी पानी है हमारे इधर आता है, आपने देखा होगा जो इंडस रिवर है वो भी हिंदुस्तान से आती है, जितने पांच दरिया जो के पाकिस्तान के जो लाहौर के अंदर वो इंडिया से आ रहे हैं, तो वो बिजली हमसे कैसे मांग सकते हैं? नहीं, उस वक्त वो मांग रहे थे। आप 90 की दहाई में अगर आप जाएं पीछे, आप चूंकि एक न्यूज चैनल रन कर रहे हैं, तो उसमें आप मुझे तो ऐसा याद नहीं है कि भाई कभी भारत ने पाकिस्तान से कहा हो कि भैया आप हमें बिजली प्रोवाइड कराइए। आई डोंट थिंक सो भाई, हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो भाई, जो जिस किसी दर्शक को अगर पता हो तो प्लीज वो कमेंट करके बताइए क्या वाकई ऐसा था क्या। मतलब मुझे नहीं पता, मेरे ध्यान में नहीं है, या मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कि बिजली जो है हम पाकिस्तान से खरीदने वाले थे। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, हो सकता है मेरे नज़रों के सामने से ना आया हो, मेरी नॉलेज कम हो इस बारे में, हो सकता है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है कि भाई हम बिजली काफ़ी लंबे टाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल पावर हैं, न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रो पावर हैं, पवन चक्कियाँ हैं, सोलर एनर्जी है, तो हम लगातार इस पर काम करते रहे हैं, और पता नहीं भाई साहब कैसे करें। आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़। आप देखिएगा जो 90 की दहाई में थी, तो उसमें मुझे याद है उस वक्त का वज़ीर आज़म मुझे मेरे में नहीं है उस वक्त कौन था, तो उसने हाँ यहाँ पे नवाज शरीफ का दौर था, तो उन्होंने बकायदा बात की थी कि हमें अपने जो सरहदी दयाद हैं पंजाब के उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारी बातचीत चली बकायदा उनसे, लेकिन फिर नहीं हुआ।
और हमारा वही डाउनफॉल था उसके बाद ही। उसके बाद गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट मतलब डेढ़ साल दो साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती रही और वो जो ना और उन्होंने उनके तरक्की यहाँ पे ये पिछले 10 से 20 साल में मनमोहन सिंह के दौर के बाद मतलब आई है। एक्चुअली उसकी रीज़न ये है, उससे पहले उनके भी ये हालात थे, हम से बुरे ही थे। उसकी रीज़न ये है कि एक गवर्नमेंट को 5 साल आपसे बुरे हालात तो हमारे कभी नहीं रहे। आप बिल्कुल मतलब इलॉजिकल बात कर रहे हैं, बिना फैक्ट के बात कर रहे हैं। आपसे बुरे हालात हमारे कभी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे हैं। आप अपनी इकॉनमी जरा 1947 से लेकर अभी तक देख लीजिए और हमारी इकॉनमी देख लीजिए, कहीं बराबरी भी नहीं थी, कहीं आप करीब भी नहीं थे। हाँ, एक बार आपकी करेंसी जो है वो थोड़ी सी हमसे ऊपर जरूर चली गई थी, और 90s में शायद हमारा फॉरेक्स रिजर्व, चूंकि हम ओपन अप नहीं हुए थे उसके लिए और हम एड तो लेते नहीं थे, आप लोग तो शुरू से अमेरिका वगैरह से एड ले रहे हैं, तो उस समय शायद आपका फॉरेक्स रिजर्व कुछ बिलियन हमसे ज्यादा था, जहां तक मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक एक आध बिलियन आप हमसे ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके पास एड के पैसे बहुत आते थे भाई। अफगानिस्तान वॉर में आपको पैसे मिले, बहुत अच्छे खासे डॉलर्स मिले अमेरिका ने दिए, हमें तो अमेरिका से पैसे मिलते नहीं थे, तो हमारे पास फोरेक्स रिजर्व उस समय कम हो गया था, बहुत कम हो गया था। तो उस समय आप शायद हमसे फोरेक्स रिजर्व के मामले में आगे हो गए, उस समय शायद 4-5 बिलियन डॉलर का ही फोरेक्स रिजर्व होगा आपका, लेकिन आज देख लीजिए 90। और ये बात आपको कह रहे हैं कि 90 से शुरू हुआ, 10-15 साल में नहीं हुआ है, 90 के बाद से हमारी स्थिति ठीक हुई है। तो 10 साल उधर और 23 साल उधर, 33 साल की मेहनत है हमारी कि आज हमारे पास नियर अबाउट 600 बिलियन डॉलर है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, हमारे अपने हैं, और आपके मांगे हुए भीख में लिए हुए 5-6 बिलियन डॉलर है, ये फर्क। और आप कभी भी किसी भी शोबे में हमसे आगे नहीं थे, तो ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए क्या भारत से आगे थे। असल चलने दी गए वहां पे, उसकी जो पॉलिसीज थी उनको अप्लीमेंट किया गया वहाँ पे और उसको चलाया गया। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो चूंकि नेक्स्ट भी मनमोहन सिंह साहब की थी तो उन्हीं पॉलिसीज को जो ना मतलब रखा गया। अभी भी यही हुआ है कि जो जब से मोदी आया हुआ है तो उसका ये तीसरा टेन्योर मतलब आगे मतलब आने वाला है, कंटिन्यू होगा, तो देखें कि वो जो पिछली उन्होंने आज मतलब 90-95 के दौर से जो उन्होंने पॉलिसी एक बनाई है या 2000 के बाद जो उन्होंने बनाई है, 20 साल उसी 20 साल में उसने इतनी तरक्की की है, उसी 20 साल में तरक्की की है। एक अंदाजा अदरवाइज नमक आज भी हमारे पाकिस्तान का जाता है, खेड़ा के यहाँ से जाता है जिसपे वो मेड इन इंडिया लिख के भेजते हैं। सर नमक की हर कोई मेरे से ये बात करता है, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया सर उसके मुताबिक नमक उनके पास भी बहुत ही ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे नमक उनके पास पिंक नमक इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास पिंक नहीं है। और जो आपके यहाँ पे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, इवन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि इसराइल तक जो है ना वहाँ पे मतलब उनकी शॉप से एक भाई थे उन्होंने मतलब वो दिखाई, तो वहाँ पे भी जो नमक पिंक नमक है वो आपका ही जाता है और कोड़ियों पे बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर भी पहाड़ है नमक के, वहाँ से भी निकलते हैं। आई नो वेरी वेल, लेकिन आपके और उसमें क्वालिटी में बहुत फर्क है। देखें आपके वो जो छोटी छोटी शीशी में बैठ करके डॉलर वो कमा रहे हैं, आप कोड़ियों को भाव दे रहे हैं। आपका तो 1 रुपया किलो का पता नहीं 50 पैसे किलो के हिसाब से मुद्दे तो पहले मुआदा हुआ है। मुझे एक बात बताएं, जरा भी शर्म होना आपको तो आप जाकर गूगल पर सर्च करिएगा मेरा ये वीडियो, अगर आप तक पहुंचा तो आप गूगल पर सर्च करिएगा। मैं एक और भाई थे जो कह रहे थे कि 600 रुपए किलो नमक मिल रहा है, उसका भी जवाब दिया था मैंने, आपका भी जवाब दे रहा हूं, फिर से जवाब दे रहा हूं। इंडिया top 3 सॉल्ट प्रोड्यूसर में आता है दुनिया के, समझे आप, व्हाइट सॉल्ट का जो प्रोड्यूसर है दुनिया में top 3 में हम आते हैं, और व्हाइट सॉल्ट ही खाने में यूज किया जाता है, पिंक सॉल्ट नहीं किया जाता, पिंक सॉल्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है हमारे यहां। मैं आपको अपने घर का बताता हूं, आज तक हमने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, कभी कभार सेंधा नमक जो आप कहते हैं वही पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक और भी तरीके से बनता है हमारे यहां, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और आप कह रहे हो कि नमक हमारे यहां जाता है, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे फ्री में तो ले नहीं रहे हम नमक। मान लीजिए एक बार की मैं कह भी रहा हूं कि पिंक सॉल्ट हम आपसे खरीदते हैं, फ्री में दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो कौड़ियों के भाव? किसने बोला है कौड़ियों के भाव देने को? कोई बेवकूफ होता है क्या दुकानदार कि अपनी चीज वो कौड़ियों के भाव दे देगा जी भारत को, वो भी जो दुश्मन मुल्क है। दिमाग से पैदल ही हैं आप लोग यार, कितने भी पढ़ लिख ले पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, दिमाग से पैदल ही रहेंगे, लॉजिकल बात कीजिए ना। दुनिया के top 3 सॉल्ट प्रोड्यूसर वाला देश आपसे नमक खरीद कर और आपका नमक लेके डॉलर कमा रहा है, तो आप कमा लो नमक बेचो ना हमें, सीधे टिक्यू नहीं डायरेक्ट बेच देते।
रोका किसने है? यहां पर राग की साजिश है क्या? किसने रोका है? आप हमें नमक मत बेचिए, आप डायरेक्ट आप बिजनेस कर लीजिए ना, आपको तो इतना बढ़िया आपको पता है सब जानकारी, आप पिंक सॉल्ट का बिजनेस कर लीजिए और अरबपति बन जाइए भाई, आप भारत को मत बेचने दीजिए, खुद पैकिंग कीजिए, खुद बेचिए। कैसी वाहियात बातें कहते हैं यार आप लोग यार, और लोग पाकिस्तान में विश्वास कर लेते हैं ऐसी बातों का, कमाल है यार। हमारे और इंडिया के ट्रेड बंद है शहबाज, उधर जब हमारे थे इमरान खान साहब ने तो ट्रेड बंद कर दी है, तो ट्रेड हो कहां से रही है ये बता दे। सर ट्रेड वाया दुबई होती है, ट्रेड वाया कश्मीर होती है, कश्मीर से होती है चोरी छुपे, ये बहुत पुरानी बात है। बॉर्डर पर तो जंग लगी हुई है, वहां पर तो हालात इतने खराब है, मैं खुद विजिट करके आया हूँ कश्मीर, कश्मीर के तो बॉर्डर के पास इतने फौजी हैं तो जाने नहीं देते। आज की बात नहीं करनी आपने, देखें जो कश्मीरी है ना, मतलब जो आजाद कश्मीर और मौजूदा कश्मीर, ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं कैसे, ये मैं हाँ वही बताना, आप चिनारी चकोठी वाला देखा हुआ है आपने, बॉर्डर क्रॉसिंग देखी हुई है, ये तैयार भी वहीं से होती है, ये बाकी सारा सामान भी वहीं से थे, ये सारा बांध है, वो बांध है, आज की बात कर रहे हैं, ये पिछले 2 साल की बात बांध कर रहे हैं, उससे पहले सारा कुछ वहीं से आता जाता था। हमारे लाखों लोग मतलब यहाँ से जो है ना वहाँ बेशुमार प्रोडक्ट आपका नारकली पूरा भरा हुआ होता था। सर जब शहबाज हमारे जो आर्मी चीफ थे, शहबाज सॉरी यार आर्मी चीफ कौन थे जो के नहीं सॉरी जिन्होंने हुकूमत संभाली थी, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, मुशर्रफ साहब याद आ गया सॉरी, मरहूम मुशर्रफ साहब ने सर जब सीज फायर करवाया था, सीज फायर से पहले इतने को हालात खराब थे, वहाँ से भी फायरिंग यहाँ से भी फायरिंग, दोनों की हालात खराब, मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर इतने हालात खराब थे जहाँ पर एक बंदा इतना इसे तो इतना इधर से जा सकता है उधर से जा सकता, फायरिंग लगी हुई गोलियाँ लग रही हैं, वहाँ पर ट्रेड कैसे हो सकती है? सर ट्रेड ज़रूरत है आपकी, उनको प्याज की ज़रूरत है तो उन्होंने भी लेना है, आपको आलू की ज़रूरत है तो आपने भी लेना है, इसके बगैर ये आज भी हो रही है, ये आज भी हो रही है, अब पिछले दिनों भी आपका प्याज टमाटर शहर था तो वहीं से आ रहा था लेकिन लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे वाघा बॉर्डर भी बेशुमार ट्रालर रुके होते हैं, ये पिछले साल की अभी बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए, मैं गया हुआ था, तो ये ट्रेड चलती रहनी, ये ट्रेड वो ट्रेड नहीं है, ये एक और चीज़ है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो हमसे गिला करते हैं इस बात की कि जब आपके हालात खराब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब जलजला आ जाता है, जब सैलाब आ जाता है तो आपको इंडिया याद आ जाता है, आप हमसे ट्रेड करते हो, एक सुन लेना, आप हमसे ट्रेड करते हो, जब आपके पाकिस्तान के हालात सही होते हैं तो वो कहते हैं हम कलिमे के नाम पर बने, हम कहते हैं उनका ये कहना है, हम कहते हैं कलिमे के नाम पर बने, हम हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो जब हालात खराब होते हैं तब भी तो नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब आलू प्याज दालें केमिकल, आपकी दवाई सारी इंडस्ट्री जो खड़ी हुई है केमिकल पर खड़ी हुई है और सारी वहीं से आती है, ये उन्होंने अपने मुफाद के लिए चलाना है और इन्होंने अपने मुफाद के लिए चलाना है। आपके पंजाब की जो आबादी है वो 10 करोड़ के करीब है, उनके पंजाब की इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जब वहाँ पे इतनी आबादी मर रही होगी, यहाँ पे भूखी मर रही होगी, तो प्याज या आलू की ज़रूरत है, तो वो तो आपने उसके बगैर तो सालन मतलब पंजाबी दिखाते ही नहीं, पंजाबी दिखाते ही नहीं, ठीक है। इंडियन मतलब पूरा इंडिया हमारा कल्चर चूँकि एक ही है, तो लोग जो है ना मतलब वो लाजमी बात है प्याज के बगैर मतलब आप गुजारा ही नहीं है, आप प्याज के बगैर टमाटर प्याज टमाटर अदरक, तो ये चीज़ें चलती। अब आपका जो था टमाटर वो अफगानिस्तान से भी आता है, बेशुमार आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से नहीं आता, यहाँ से दुगना जाता है, मौसम की बात है, यहाँ पे मौसम कुछ होगा तो यहाँ से वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे भी ऐसा ही है कि वहाँ पे पंजाब में ज़रा वो पहले वहाँ पे मतलब आ जाता है, जैसे कि आप हिसाब लगाएं कि सिंध में जो है ना मतलब वहाँ से सुनने में आता है कि जो फ्रूट है या सब्जियाँ वो पहले आना शुरू होती हैं पंजाब में आती, फिर वहाँ पे ख़त्म होती तो यहाँ से वहाँ पे जाना शुरू होती हैं, तो ये ट्रेड चलती रहनी है, ये आपके सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रही, ये ईरान से भी तौर पर ऑफिशियली तौर पर हम क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर देते कि भाई आज से हमारा और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी खत्म करके हम ट्रेड कर लेते हैं, आप मुझे बताएं ट्रेड बंद करने का नुकसान किसको एक्चुअली होनी चाहिए। देखें नुकसान जितना हमें है हमसे ज़्यादा उनको भी है, हमसे ज्यादा उनको भी है। आप मुझे फैक्ट बताएं ना, लॉजिक पे बात करें, नुकसान अगर वो करे ना करे, वो दुनिया की अगर आप देखेंगे इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, अदर दूसरी कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हमारे पास चीज़ें नहीं है, हमारे पास गाड़ी मैन्युफैक्चर भी नहीं है, वहाँ पर जो गाड़ी इस टाइम 2.5 लाख की है यहाँ पर हम 32 लाख की खरीद रहे हैं, आल्टो की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम उनके साथ अच्छे तरीके से बरादरान तौर पर तलुकात को बहाल कर लेते हैं तो क्या लगता है होगा? आपको लगता है ना चाहिए ना, आपको लगता है कि ये सिर्फ इमरान खान ने ये बंद की थी तजारत जो हो रही थी, या उससे पहले मुशर्रफ ने बंद की,
या उससे पहले मतलब बाद में जरदारी ने बंद की, या उससे पहले नवाज शरीफ ने बंद की होगी, या उससे पहले बेनजीर ने बंद की, ऐसा नहीं है। जितना को आप मतलब यहाँ से होता है ना, यहाँ से ज़्यादा वो देखे आपके यहाँ से लोग जाते थे एक्टिंग करने वहाँ पे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे मीडिया में, तो किसने वहाँ से भगाया उनको, किसने भगाया उनको? आप तो ये छोटी मोटी ट्रेड की बात है, आपको वो घुसने नहीं दे रहे। पुलवामा, आप भाईजान पुलवामा आपने थोड़ी की है, पुलवामा आपने तो नहीं किया ना, हमारे यहाँ से वो चीज़ें मानी भी गई हैं, पुलवामा हमने किया पार्लियामेंट के अंदर से, पता नहीं किसने मानी है, किसी ने भी नहीं मानी। के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूं कि जब आप आपके जो जो आपके लीडर्स हैं वो चीज मानेंगे, एक यहां से हम अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई ये चीजें हमने की हैं। इस तरह की आप मुझसे मतलब दिखाना जा रहे हैं ना, इस तरह के बयान उनके पार्लियामेंट से भी आते हैं कि मतलब ये पाकिस्तान के हक में, ये पाकिस्तान को खिलाफ, उसकी वजह बताता हूँ। ये पिछले दिनों राजीव गांधी ने कोई बयान दिया था पाकिस्तान के हक में, और उस पर वहाँ पे अच्छी खासी ले दी, उन्होंने कहा कि इसको भी पाकिस्तान भेज दो। तो ये चीजें चलती हैं, ये राजीव गांधी भाई साहब कौन से सन में हैं आप? टाइम मशीन लगाकर आ तो नहीं गए फ्यूचर में और आपको बाकी चीजें याद हैं पास्ट टेंस मतलब पास्ट वाली टाइमलाइन पे? राजीव गांधी का बयान अभी याद है? शिट, सियासत है सियासत, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा हुआ है। यहां से वहां पे करना बहुत मुश्किल है, मतलब हमें अपनी फुर्सत नहीं है किसी भी बंदे को, उनको भी अपनी फुर्सत नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब वो करते हैं, उनको भी अपनी फुर्सत, भाई वक्त चेंज हो गया है, आज से 20 साल पहले वाला वक्त नहीं है, अब मीडिया का दौर है, वक्त चेंज हो गया। कारोबार यहाँ पे भी नौजवान को बेशुमार है, मतलब बेशुमार है। आप भी दुनिया में 7वीं 8वीं जगह पे खड़े हुए हो आईटी के शोबे में, और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट है वहाँ पे, और आपका नौजवान बगैर किसी सपोर्ट के 7वीं और 8वीं जगह पे खड़ा हुआ है, बगैर किसी सपोर्ट के, बल्कि मेरे ख्याल में इससे अब तो नंबर मजीद बेहतर हो गए हैं, और वो गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ वो खड़े हुए हैं आईटी में, मतलब पहले या दूसरे नंबर पे खड़े हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे अब लोगों के पास वक्त नहीं, मेरे पास नहीं है, आपने मेरा वक्त दिया, मैं इस वक्त काम कर रहा था, ठीक है, ये भाई काम करें, ये भाई काम करें, आप भी अपना काम करें, तो इतना किसके पास टाइम है कि मतलब किसी की जाके यहाँ पे लड़ाई होती तो हम किसी की मतलब टांग नहीं अड़ाते, दूसरे के बड्डे में टांग नहीं अड़ाते, तो वो इतने बड़े मसले मसाइल अब वक्त नहीं है। अगर तो चचा ये बताइए कसाब कहाँ से आया था, और कसाब को लेकर आपकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये क्यों माना कि वो पाकिस्तानी था? उतनी दूर से कैसे आ गया, कैसे उसने निर्दोषों की जान ली, कैसे उसने मुंबई पर अटैक किया, उसकी बात नहीं होगी? कमाल है ना। अगर ऐसा होता, अगर कोई ऐसा मतलब सीन होता तो खाली पुलवामा और उसके बाद ही क्यों अभी तक चल क्यों ना रहा होता? भाई हम तो खुद पिछले, मैं कहता हूँ 75 से लेके, मैं तो कहता हूँ बल्कि पाकिस्तान बनने से लेके तो हम अब तक जो है ना दहशतगर्दी के अंदर, मतलब हमारा मुल्क तो उसको सारे उठाने नहीं दिया गया, तब से लेके अब तक कोई ना कोई, पहले अफगान, हमारे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलतियाँ भी हैं, हम अपनी गलतियाँ दूसरों पर थोपते हैं कि भाई दहशतगर्दी। आप मुझे एक बात बताएं, कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया पाकिस्तान का, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर अगर हमारे लिए इतना ज़्यादा अजीज होता, कश्मीर हमारी शारक होती, तो क्या कश्मीर आधा लेकर हम उसको चाइना को गिफ्ट करते कि भाई ये आधा तुम रखो? ये कितनी कितनी बड़ी गलती। मैं बताता हूँ इसका जवाब है मेरे पास। देखें, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी पहुँच ही नहीं है, ठीक है, आप चूँकि गिलगित बल्तिस्तान से आपने बताया, तो जो चाइना को हमने गिफ्ट किया वो भी वहीं उधर का ही है, ऐसा ही है, ठीक है, आपको बताया उस पट्टी का नाम क्या है वैसे? सियाचिन, तो आपने गिफ्ट ही नहीं किया। कश्गर, कश्गर। अच्छा चलें छोड़िए उस बात को, जी जी पूरे करें, बताएं। जो हमने वहाँ पे हिस्सा दिया ना वो हमारा खाली पड़ा हुआ था, ठीक है, और मेरी बात सुन ले, मेरी बात पूरी सुन ले, आप हिस्ट्री है सर, सर हिस्ट्री आप लॉजिक देख रहे हैं, वो हमारा हिस्सा खाली पड़ा था, पहला कि वो आपका हिस्सा नहीं था, और दूसरा कि अगर आपका उसका कब्जा था और आपको इतनी इंपॉर्टेंट लगती है वो जगह और आपने उसको गिफ्ट कर दिया, साक्षम वैली है शायद वो, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कैसे लॉजिक दे रहे हैं आप? खाली पड़ा इलाका तो, कुछ खाली पड़ा इलाका तो हमें भी दे दो, हम ले लेते हैं, अच्छे खासे पैसे भी दे देंगे यार, जितनी कीमत चल रही होगी मार्केट वैल्यू ना, उससे 4 गुना कीमत मैं दिलवाऊंगा आपको, दे दो, दोगे? क्या लॉजिकल बात करते हैं आप की है, हिस्ट्री हमारी भी है, हिस्ट्री सब की है, वो जितना आपको अजीज है उतना मुझे भी अजीज है, मुझे हो सकता है ज्यादा अजीज हो, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपके पास, ये मेरे पास जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा मेरे पास, मेरी जो रेंज है वो यहाँ तक ही है, मैं समझता हूँ कि यार मैं यहाँ पे जो ना खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आके अड्डा लगा लेगा या यहाँ पे खड़ा हो जाएगा,
तो यार ये मेरी जगह अभी मेरे पास मतलब फालतू पड़ी हुई, ये मैं दे देता हूँ। वो मैंने अपनी मर्जी से दी है, वहाँ पे कोई आबादी थी जो आपने बेची है? आबादी तो नहीं बेची ना, जगह का खाली टुकड़ा दिया है, एक पहाड़ी है मतलब। वहाँ पर लोग हैं सर, सर हमारे मेरे अपने रिश्तेदार वहाँ पर हैं जो कि चाइना के पास है। वो ना होने के बराबर थे। अच्छा उसकी अगली बात सुने, ना होने के बराबर नहीं। आप देखें आंखें बंद करेंगे एक चीज को, 40 साल में आबादी बढ़ गई तो वो तो पाकिस्तान की भी बढ़ गई, इंडिया की भी बढ़ गई, सभी बढ़ गई। लेकिन गाड़ी से सफर करो आप, बाय रोड सफर करो तो आपको तकरीबन 8-9 घंटे से भी ज्यादा टाइम। मुझे ये बताएं कि जो हमने चाइना में गिफ्ट किया कश्मीर को, उसके हालात बेहतर हैं या जो इंडिया में है उसके हालात बेहतर हैं, ये मुझे आप बता दें। डेवलपमेंट के लिहाज से देखेंगे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है। अगर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, आप जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जो इंडिया साइड कश्मीर है, अब वहाँ पर रिसर्च कर लें, वो हमारे आज़ाद कश्मीर से 1000 गुना बेहतर डेवलपमेंट है वहाँ पर। सर 370 के आर्टिकल के बाद। सर वो 370 आर्टिकल कब आया, उसको कितना टाइम हुआ? 2 साल हुए, 3 साल हुए, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो करेंगे तो कश्मीर का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, आपका भी मुद्दा खत्म हो जाएगा, आपका भी गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर में आता है, आपको ये पता है ना, नॉलेज है ना, तो आपका मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम तो मान ही नहीं रहे शुरू से, पहले दिन से ही हम अब तक उसको इस चीज़ को माना ही नहीं है। हमारा आज भी ये मसला है कि कश्मीर कश्मीरियों का है। हाँ वो पूरे की बात करें, वो मुज़ाकरात पे आते ही नहीं है, उस बात पे वो बात ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ये हमारा टूट अंग है। हम नहीं करना चाहते सर, वो नहीं करना चाहते। अब नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों एक बयान आया था, वो कहते मैं पाकिस्तान में बात करना चाहता हूँ, सुलह की बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं किससे बात करूँ, वो कहते मैं ISI के पास जाऊँ, वो कहते मैं इनके पॉलिटिशियन के पास जाऊँ। हाँ। वो कहते कि भाई मैं किन के पास जाऊँ, वो बताते खुद पॉलिटिशियन है तो उसे पॉलिटिशियन के पास ही आना है। यहाँ से एक पॉलिटिशियन का इन्हीं मतलब मुल्की मसाइल पे उस आए हैं, वो आए भी हैं नवाज शरीफ के दौर में, से पिछले दौर पे सर वहाँ से तो साड़ियाँ जाती रही हैं। फिर वो बात करेंगे तो वो बात बहुत दूर तक जाएगी, हमने वो बात ही नहीं करनी। एक्चुअली जब ये मसला हुआ, जब उन्होंने स्ट्राइक की और हमने उसका जवाब दिया, तो उसके बाद हालात ख़राब हुए और उसी दौरान खान साहब के वहाँ पे फ़ोन जाते रहे जो उन्होंने रिसीव नहीं किए, हालांकि उन्हें करने चाहिए थे कि जाती उन्होंने की, मैं तो उन्होंने चपेट मार दिया तो फिर मतलब मामला ठंडा हो जाए, तो फिर मैं थोड़े ना गल करना चाहूँगा तो तुम अगू मतलब ना करो, तो फिर मतलब ज्यादती भी की है, ज्यादती भी की है और उस पॉइंट अप की तरफ जाते हैं, लंबा हो गया। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम आज दुश्मनी कर रहे हैं चार जंग, मुझे तो याद है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी फोन नहीं उठाते और आप उल्टी बात कह रहे हैं, जहां तक मुझे समझ में आई है बात, आप लोग दर्शक बताइएगा। शिकायत तो आप लोग कहते थे कि मोदी जी फोन नहीं उठा रहे, इमरान खान ने बड़ी कोशिश की, आप उल्टी बात कर रहे हैं कि फोन इमरान खान के पास आते थे। जंगे भी हमने लड़ ली, चार जंगों का नुकसान कौन उठा रहा है? सर चार जंगे शुरू किसने की है? सर फिर बात आगे निकल जानी है। निकाल दें, देखें जब मेरे घर में पत्थर आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, सिंपल सी बात है। शुरू उन्होंने की है? किन्होंने की है? इन्होंने, इंडिया ने। सर हर दफा वहीं से शुरू हुई है। अच्छा हर दफा वहीं से शुरू। आप मुझे एक बात बताएं, शुरू करने वाले बंदे जो इन्होंने जंग शुरू की होगी, कारगिल किन्होंने शुरू की? देखिए कारगिल आप 71 किन्होंने शुरू की भाई? जब आप मुझे 65 किसने शुरू की? 65 वहीं से शुरू हुई थी, 71 भी वहीं से शुरू हुई थी, वो बांग्लादेश में मसले मसाइल थे हमारे, वहाँ से उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने बकायदा उसकी प्लानिंग की हुई है, उनके अपने जो जनरल थे उस वक्त के उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, उनके जो उस वक्त के साफी थे उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। यहाँ से बड़े बड़े जनरलों के बयान आए हैं सर, मैं आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बड़े बड़े जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनके 71 भी बताऊंगा, 65 भी बताऊंगा, कारगिल भी बताऊंगा और 1998 की भी बताऊंगा आपको। 71 उन्होंने शुरू किया, कारगिल हमने किया, लेकिन लाजमी बात है जब हमारे पास आ रहे थे मतलब जब वो हम पे हमले कर रहे थे, जब वो उन्होंने पहल की हर दफ़ा तो हमें एक मौका मिला, हमने उस पर मतलब किया, लेकिन उस पर जब अमेरिका बीच में पड़ गया। अगर आप एक बाप की औलाद हैं, थोड़ी भाषा मेरी कठिन लगेगी आपको, अगर आप एक बाप की औलाद हैं, मैं सबूत दिखाता हूं और आप इन सबूतों पर रिएक्ट करिए, आप इन सबूतों का जवाब दीजिए। वैसे तो चारों जंगों पर मैंने वीडियो बना रखी है, देख लीजिए, लेकिन मैं सबूत ला कर देता हूं। आपके फॉर्मर एयर फोर्स के चीफ असगर खान, उनका बयान सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई या क्यों आपको इसमें शामिल? मैंने आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की।
71 की वो क्या उसकी क्या आवामियत थी वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की और कारगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशिमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। सुन लिया आपने, सुन लिया ना, आपके पाकिस्तान के टॉप मोस्ट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट परवेज हुदबॉय, उनका बयान सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने तीन जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं, 1947 की, 1965 की, 1999 की। कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। सुन लिया बयान आपने, आपके आर्मी के एक और बड़े अफसर, आई थिंक मेजर जनरल या मेजर रैंकर हैं या कर्नल रैंकर हैं, उनकी बात सुनिए। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबोर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी हेयर, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेज एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। सुन लिया आपने, इन सबूतों को काट कर दिखा दीजिए आप। मैं आपकी बात मानूंगा या आपके एयरफोर्स के चीफ की बात मानूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा या आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात मानूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा या आपके आर्मी के बड़े अफसर की बात मानूंगा। तो अगर एक बाप की औलाद हैं आप, एक बाप की, तो इसको गद्दार करार दिलवाइए, अपने फॉर्मर एयरफोर्स चीफ असगर खान को गद्दार करार दिलवाइए कि झूठ बोला इसने। आप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज हुदबॉय जिंदा हैं अभी, उनको गद्दार करार दीजिए कि ये झूठ बोल रहा है। अपने आर्मी का अफसर वो भी जिंदा होगा, उसको भी बोलिए कि ये झूठ बोल रहा है, और वरना थूक के चाटिए जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं। इस दौर में किसको चूरन दे रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं ना कि इंटरनेट का जमाना है और ये, किसको चूरन दे रहे हैं? चूरन देना बंद करवा दिया मैंने वॉर पर, समझे? और हमने सुलह सफाई की तरफ हम जाने शुरू, हम चाहते तो हम भी मतलब कह सकते थे कि नहीं भैया हमारी मर्जी है, लेकिन हमने हमने 65 में भी ये किया। हम 65 में उनकी सियालकोट पे उनका जो कश्मीर का वाहिद जो रास्ता है, वाहिद एक जो रास्ता है कि जो इंडिया को है। सर हम जीतार को छोड़ें, आप इस प्रोग्राम को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, जीतार को छोड़ें, हम आज भी जीते हुए हैं, हम पहले भी जीते हुए थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम कहीं भी लेके जाने का कोई मकसद नहीं है, मेरा बेसिक मकसद जो है वो पीस का है, अमन 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 की बात करें, अमन। अभी फॉर एग्जांपल मैंने बात इसलिए कर रहे हैं, हम अमन की बात कर रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपके एक्टर को, आपके गुलूकार को वो बर्दाश्त नहीं करते, अमन कहाँ से आ जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक दफा एक जगह पर पुलवामा होता है, जब उनके फौजी पुलवामा एक साइड पे था, एक तरफ वो कहते हैं हम पूरी दुनिया में मतलब जमहूरियत का राग अलापते हैं और वो कहते हैं कि हम मतलब बड़े खुले दिल के हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जमहूरियत है, हमारे यहाँ पे ये है वो है फलां है, और एक तरफ एक बंदे को जब उन्हें ज़रूरत थी, हाँ उन्होंने क्यों इनको हायर किया, पाकिस्तानी एक्टर्स को या मतलब पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो राइटर हैं, जो जो भी हैं, उनको क्यों हायर किया? उनको ज़रूरत थी, उनकी इंडस्ट्री में ज़रूरत थी, जब उनको ज़रूरत थी ये सस्ते मतलब कम पैसों में काम होता था तो वो करवाते रहे, जब उन्होंने देखा मतलब। अब आप मेरी बात सुने, हमें इतना कैपेबल होना, इतना हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम उधर जाकर नहीं, हम इस बात के शिकवा करने के बजाय हमें अपनी इंडस्ट्री इतनी बड़ी करें, हम अपनी आईटी में इतना बड़ा बने, हम हमारे पास रिजर्व इतने ज्यादा हों, ना सिर्फ इंडिया
अमेरिका से लोग पाकिस्तान में काम करने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गिलाए इस शिकवे को बोलने पड़ेंगे, दिल को बड़ा करना पड़ेगा। कहाँ बड़ी है सर, इतनी बड़ी है, कहाँ बड़ी है। उनका कौन आया था यहाँ पे, ये जो पिछले दिनों एक आधा बंदा आया था, आपको नाम भी नहीं पता। मुझे तो पता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक आधा बंदा आया है पूरी जिंदगी के अंदर, हमारे कितने जाकर वहाँ पर आया। मैं आप आंखें बंद भी कर लें चाहे खोल लें, पूरी दुनिया के आगे इस टाइम बात सुने, पूरी दुनिया के आगे बड़ी मईशत बना ली उन्होंने, पांचवी बड़ी मईशत बना लिया, वो इन चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। एक दिन नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर गए, यूएन के अंदर जाके स्पीच दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं पड़ना। यही टाइम कह के इंडिया पाकिस्तान कर गए, कर करके हमने अपना टाइम सर, चाहे वो छोड़ो यार बात खत्म करो, समझ में आ गई बात। ये वही जाहिल टाइप के आदमी है जो चूरन खा रहे हैं। भाई पीढ़ियाँ चूरन खाई है ना, कैसे, इनके पिताजी ने भी खाई होंगी, इनके पिताजी के पिताजी ने भी खाई होंगी, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी खाई, वही चूरन तो ये सच मान बैठे हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अगर इतने ही अच्छे लोग थे, इतने ही काबिल लोग थे, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर क्यों नहीं उठा दिया उन्होंने, उनको भारत आने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर इतने ही अच्छे राइटर थे, इतने ही अच्छे एक्टर थे, इतने ही अच्छे एक्ट्रेस थे, तो भाई आपकी इंडस्ट्री कहाँ घुसी हुई थी वर्ल्ड लेवल पे, उसका भी नाम होना चाहिए था ना। नहीं है, लेकिन आपको तो झूठ का मुलम्मा करना है। खैर तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, और जो कि मैं आपको बताने वाला था कि जो ये है, चलिए इस पर छोड़िए करते हैं। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में जाती रही हैं बहुत लंबे टाइम से। और ये चीज़ मुझे लगता है कि 3-4 साल पहले वहाँ के अखबारों में भी ये चीज़ छपी थी कि भाई मेड इन इंडिया चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये गटर के ढक्कन का भी छपा था। और मुझे याद आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने भी एक बार, शायद वो लॉस एंजलिस में थी, कहाँ थी, वहाँ पर उन्होंने गटर के ढक्कन पर मेड इन इंडिया देखा था। तो वो पिक्चर भी उन्होंने पोस्ट की थी प्रियंका चोपड़ा ने, ये आई थिंक 1-2 साल पुरानी बात है। तो आज से नहीं जा रहे हैं गटर के ढक्कन इंडिया से बन के, बहुत सालों से जा रहे हैं, और वहाँ की मीडिया भी ये जानती है, वहाँ के लोग भी ये जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गटर का ढक्कन बनते कहाँ हैं जो अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं, मैक्सिमम जो हैं पश्चिम बंगाल से, हमारे कोलकाता से जाते हैं, हावड़ा से जाते हैं, पश्चिम बंगाल से जाते हैं, यहाँ पर वो ढक्कन तैयार होता है और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो। और इसके अलावा एक अजरज भरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में गटर का ढक्कन कहाँ से बनते हैं, पाकिस्तान बनाता है? अजी आप तो गटर के ढक्कन भी नहीं बनाते। रिपोर्ट कहती है कि आप अपने सारे गटर के ढक्कन इंपोर्ट करते हैं चाइना और एक आध और कंट्री से। आप समझ रहे हैं इस चीज को? पाकिस्तान गटर का एक ढक्कन तक नहीं बना पाता, सोचिए, वो भी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान गटर के ढक्कन, और मोस्टली मेड इन चाइना होते हैं। और आप कहते हैं कि हम हर शोबे में आपसे आगे थे, बाइक का इंजन तो छोड़ दीजिए, अब तो मुझे नई जानकारी पता चल गई है, मैं अब ये नहीं दूंगा रेफरेंस कि बाइक का इंजन तक नहीं बनाता। अरे गटर का ढक्कन तक नहीं बना पाते आप, बाइक के इंजन में तो फिर भी बहुत सारा दिमाग लगेगा, गटर के ढक्कन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगने वाला। थोड़ा बहुत आपके पास एक जो इंजीनियर होगा ढंग का, वो गटर का ढक्कन डिजाइन कर देगा, उसमें जो मटेरियल वाला इंजीनियर होगा बता देगा कि किस तरह का आयरन लगेगा, किस तरह का कास्टिंग होगी, कितना मजबूत होना चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, रस्टिंग से बचाने के लिए उसमें क्या करना है वो केमिकल इंजीनियर बता देगा। वो भी आप नहीं बना पाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, शर्म आ रही है अब आपको? तो अगली बार से अब मैं रेफरेंस दूंगा कि भाई जो देश गटर का ढक्कन तक नहीं बना पाता, वो बात करता है कि वो भारत से आगे था, भारत से कंपटीट कर रहा है। एटमी ताकत, अच्छा सुनने में कितना जुल रहा, जिसने एटम बम बना लिया है लेकिन उसके पास गटर का ढक्कन बनाने लायक भी दिमाग नहीं है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आलोक सर का, डीडी रिएक्ट का वीडियो था, और वो बात कर रहे थे शहजाद रॉय, हमारे एक सिंगर हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की अपने इंस्टा पे, और वीडियो क्या थी कि न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया जो गटर के ढक्कन है वो मेड इन इंडिया बन के जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर एक गटर का ये एक ढक्कन दिख रहा है कि इंडिया से आया है, तो और कितना कुछ इंडिया बना के यहाँ बेचता होगा और रेवेन्यू कमाता होगा। उसने बात की अपने पाकिस्तानियों को
कि थोड़ा सा शर्म थोड़ा सा सीखे, थोड़ा सा नॉलेज लें कि हमने आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई, खुद का कुछ एक भी बना ले। मुझे भी नहीं याद पड़ता कि हम भी किसी गटर के टक्कर में आने वाले हैं। हम भी कभी कुछ किसी गटर के टक्कर में बनाते हैं। हमने अपनी इंडस्ट्री तक के लिए जितना रॉ मटेरियल की मैं बात करता हूँ सब इंपोर्ट करते हैं, उसको भी हमें तौफीक नहीं है कि हम अपना बना ले। तो ये गटर का ढक्कन भी हम नहीं होती सुनी के वो भी हम अपना नहीं बनाते, तो कितने ही शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए जिनकी तरजीह कभी पाकिस्तान रहा ही नहीं। और मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि जो देश आगे बढ़ना चाहते हैं, जो देश दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, उनकी नीयतें प्रोपोगंडे पे नहीं होती, उनकी नीयतें दूसरे को नीचा गिराने पे नहीं होती, उनकी नीयतें अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं क्या ऐसी पॉलिसीज बनाऊं कि मेरे लोग इस हद तक आगे बढ़े कि पूरी दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, हमारा सर फखर से बुलंद कर सके। तो देखिए मेड इन इंडिया का गटर का ढक्कन है, लेकिन एक पाकिस्तानी सिंगर जो जिसकी बहुत ही जबरदस्त रिप्यूट है शहजाद राय की, उनकी एक फाउंडेशन भी काम करती है तालीम पे, तो वो पोस्ट कर रहा है इस चीज को। क्या हम हमारा अगर पाकिस्तान का कुछ बना होता कहीं पे लगा होता तो क्या हम फख्र महसूस कर सकते थे कि नहीं? लेकिन क्या है कि हमने उससे सीखना कुछ नहीं। हम हमेशा से एक व्हाट्सएप ग्रुप की बनी हुई कौम है, जो उसमें किसी मुल्ला ने ठुल्ला ने किसी फलाने ने उसमें भेज दिया, आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लिया। हाँ हम तो भाई 90 में सुपर पावर थे, हाँ भाई हम 90 से पहले हम तो इंडिया से भी बड़े आगे थे, भाई 90 में थे तो अब क्या सांप सूंघ गया आप लोगों को। हम कभी भी इंडिया के हालात 90s तक इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हमसे बुरे तब भी नहीं थे। लेकिन आज इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और हम कहां पे हैं? $600 बिलियन और 6 बिलियन डॉलर वो भी अपने नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत से कमा के $600 बिलियन कभी गिनती करें हिसाब करें तो लग समझ जाएगी कि कितना रिजर्व उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और हम हमारे पास क्या है, वो भी मांगेगा। बस यही हम कह सकते हैं 90 में जी वो क्या कि एक दफा वो IMF के पास गए थे, उनके पास रिजर्व जो थे वो कम हो गए थे, हमारे पास वो एडे सारी हकीकत को हम जो है ना वो जुटलाते रहते हैं। लेकिन कुछ बातें वो बुजुर्गों ने ठीक कही थी कि हमने ऑफिशियली तौर पर तो ट्रेड बंद की हुई है, लेकिन जो है अंडरग्राउंड वो सारी चीजें चल रही हैं। आज भी अगर आप चले जाएं लाहौर की मार्केटों में, चले जाएं कराची की मार्केटों में, जितने भी मेन सिटीज हैं उनकी मार्केटों में चले जाएं, आपको मेड इन इंडिया चीजें मिल जाएंगी। मिलती हैं, वो कहाँ से आ रही है? वो 50% से ज्यादा वो या तो मेड इन इंडिया ही है भाई, या तो यहाँ से स्मगल होके आ रही है या वही या दुबई आ रही है। दुबई से आती है तो सर वो महंगी पड़ती है, पड़ती है 600 रुपए की। तो यही सारी चीजें है ना, तो महंगी चीज जो है वो अपर क्लास ही जो है ना इस्तेमाल करती है। आपको इंडियन लोकल चीजें भी नजर आएंगी, वो कैसे आती हैं, वो स्मगल होकर आती हैं। तो हम स्मगलिंग में हम उस्ताद हैं सबके, हम जो मर्जी कर लें, हम जो ईरान से डायरेक्ट तेल तो ले नहीं सकते, लेकिन स्मगल करके हम करते हैं सारा कुछ। तो यही सारी चीजें, यही हमारा अलमिया है कि देखिए कि 90 की दिहाई में उन्होंने कहा कि यहाँ पे 90 के बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद जो जमहूरियत है उसको चलने नहीं दिया गया, इदारों को अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होने दिया गया। और आज भी अगर आप देख लें तो 70% जो इदारे हैं उनके सरबराहान रिटायर जो है ना वो हमारे जो फौज के जवान हैं जो रिटायर्ड होकर जाते हैं, तो फिर आगे काबिल जो लोग हैं वो काबिल लोग रखे हुए हैं वहाँ पे, तो क्योंकि वो पहले वो जो है ना वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और बाद में रिटायर्ड होने के बाद वहां पे सर अंजाम देते। तो इसीलिए हम जो है गटर के ढक्कन भी जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो यही चीजें हैं कि हमें सबसे पहले जो चीज है कि हमें जो प्राइवेट जो हमारे जो सिविलियन इदारे हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा होने ही नहीं दिया गया 90 की दिहाई के बाद। 90 की दिहाई ले लें या आप जो है ना जियाउल हक साहब का दौर ले लें, वहां से लेके आज तक सिविलियन इदारों को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दिया गया, हमारी इंडस्ट्री को जवाल का शिकार ही करते रहे। और रही कही कसर जो थी वो भुट्टो साहब ने सिविलियन हुकूमत आई उन्होंने सबको नेशनलाइज करके जो है ना वो अपने पाँव काट दिए, तो वो जो गलती उन्होंने भुट्टो साहब ने उस वक्त की थी। तो 90 की दिहाई में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार मिलेगा, तो फिर ही मुशत चल सकती है। तो फिर उन्होंने इंडस्ट्री लगाई,
इंडस्ट्रीज आप लगाई तो फिर उनको पता चला कि हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो उन्होंने रॉ मटेरियल भी अपना बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब इसको जो है रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया है, हम हमारे पास इतने कारखाने होने चाहिए कि हम इस चीज को अपनी जरूरत पूरी कर सके। वो जरूरत पूरी करने लगे, फिर उन्होंने कहा कि भाई अब जरूरत पूरी हो गई है, अब इसको जो है ना बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आज वो दुनिया की 35वीं जो है ना बड़ी मुशत है। यही वजह है कि उनके पास रॉ मटेरियल भी अपना है, मेड इन इंडिया है, मेकिंग इंडिया है, हर चीज अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं। हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी गंदम जो है, चीनी जो है वो हम जो है ना इम्पोर्ट करते हैं हर साल। जो है हम देखें जी, हमने इतना जो है ना जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है, लेकिन वो टारगेट हम पूरा करते हैं चंद, वो जो हमारे जो है उनके लिए वो टारगेट पूरा किया जाता है, उनके गोदामों में चली जाती है। और हम क्या करते हैं जी, आर्मी चीफ साहब ने सख्त जो है ना ये एक्शन ले लिया है। अब वो उन्होंने बड़ा ही ना जी, वो आज ना एक मिसाल दी है, एक उलमा है अहले तशियों के, उन्होंने कहा कि वो कुत्ते की मिसाल, वो जो कुएं में गिर जाता है तो किसी ने कहा कि वो जो है ना उसमें से इतने डोल निकाल लो तो पानी पाक हो जाता है, तो वो उस कुत्ता गिर गया, तो वो उसके बाद जाते हैं उन्होंने कहा इतने डोल निकाल लिए अब भी बदबू आ रही है। फिर वो गए उन्होंने कहा इतने डोल निकालो, उन्होंने कहा फिर भी आ रही है। फिर जब तीसरी चौथी दफा आया तो उन्होंने कहा कुत्ता निकाला उसमें से, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा पहले कुत्ता निकालो फिर इतने डोल निकालोगे तो पानी जो है ना वो पाक होगा। तो यही चीजें हैं, आर्मी चीफ साहब ने एक्शन ले लिया जी, इतनी बोरियां फलां के गोदाम से पकड़ी गई हैं जी, इतनी जो स्मगलिंग हो रही थी हमने वो रोक ली है जी। लेकिन क्या हुआ, आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा, क्या वो सस्ती हुई, क्या 90 रुपए वाली चीनी 90 रुपए पे वापस आई, या क्या 180 रुपए वाला पेट्रोल 180 रुपए पे वापस आया? इन चीजों को छोड़ दीजिए, खुदा रहा ये जो पानी के ढोल आप निकाल रहे हैं इनको निकालने की बजाय वो जो कुत्ता जो है कुएं में गिरा हुआ है उसको निकालिए। इदारों को काम करने दीजिए, जिनका जो काम है उन वहां पे काबिल लोगों को लेकर आइए, ताकि आप लोगों को भी ना सुननी पड़े ऐसी ऐसी मुझ जैसे निकम्मों की भी आपको सुननी पड़ती है। तो यही चीजें हैं, जब हम अपना काम नहीं करते, दूसरों का काम अपने जिम्मे ले लेते हैं और काबिल लोगों को ओहदों पर नहीं लगाते, तो फिर जो हाल पाकिस्तान का वो होता है। और जब काबिल लोगों को इदारों में बिठाया जाता है तो जो आज इंडिया कर रहा है, उन्होंने 33 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया, तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी, नवाज शरीफ साहब की। वो आप जो अगले दिन लाहौर में आए तो उन्होंने हिसाब लगाया, आपको पता है 90 और 2023 में कितने साल हो गए, हिसाब किताब आता है कितने साल हो गए, साहब आता है चार दवा करके जो दवा कहते हैं। देखिए जी, सुल्तानी साहब को अपने मुर्शिद से प्यार है, तो उसमें वो पूरे का पूरा मुआफिला देते हैं। देखिए 90 में स्ट्रेटजी बनी ना, हकीकी बात ये है कि हकीकी तौर पे जमहूरियत यहाँ कभी रही नहीं, यहाँ पे जो इंडिया में जमहूरियत का एक तसलसल रहा है, इसीलिए आज इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन चुका है। और हम ये जो बात करते हैं, हम में जज्बा, टैलेंट बड़ी, अगर मैं बात कड़वी है लेकिन आज करना बंद, हम वो जो गटर का ढक्कन है ना पाकिस्तानी कौम, वो भी नहीं है बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि चलने नहीं दिया गया, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया, सब बहाने हम वो गटर का ढक्कन भी नहीं है। अगर कुछ होते तो आज कुछ बंद, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें हो, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी ने करना है तो उसके लिए रास्ता खुला ही होता है। जब ना करना हो तो हजार बहाने हमारे पास मौजूद हैं, हमारे ऊपर वो हो गया, हमारे ऊपर ये हो गया, हम ऐसे काम करते हैं तो वो हम पे आगे मुसल्लत होते हैं। अगर उनको भी रोकना है तो उसके भी हजारों हल मौजूद है, लेकिन ये कौम वो गटर वाला ढक्कन भी नहीं है, इसीलिए आज हमारी ये हाल है। और हमारी सोच का आलम यह है कि हम उन्हीं वक्तों को अभी कोस रहे हैं, और ना हमें कुछ पता है कि होता क्या है, ना हमें पता चलता है कि होना क्या है, और हमें मुस्तकबिल के लिए क्या करना है ये भी हमें आज तक नहीं पता चला। तो फिर चुप रहिए और शांति से दुनिया को आगे बढ़ता देखिए, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप अभी तक वो गटर के ढक्कन भी नहीं है। इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप को थोड़ा सा नॉलेज दीजिए, थोड़ा पढ़ाई की तरफ लगाइए। हम नहीं पढ़ सके तो अपने बच्चों को जरूर इस काबिल बनाएं कि कल को आने वाला हमारा मुस्तकबिल कुछ बेहतर हो सके। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।